प्राकृतिक खेती वर्तमान समय की आवश्यकता है क्योंकि रासायनिक खादों व कीटनाशक दवाओं के उपयोग के कारण खाद्यान्न जहरीले होते जा रहे हैं। इससे लोगों में अनेक लाइलाज बीमारियां भी पैदा हो रही हैं। प्राकृतिक खेती में लागत कम है व सेहत के लिए ये भरोसेमंद है, ये कहना है हमीरपुर के विधायक नरेंद्र ठाकुर का। वो कृषि व प्रौद्योगिकी प्रावधान अधिकरण के माध्यम से शून्य लागत प्राकृतिक खेती पर गसोता में किसान गोष्ठी और प्रदर्शनी के अवसर पर पहुंचे थे। विधायक नरेंद्र ठाकुर ने कहा है कि प्राकृतिक खेती वर्तमान समय की आवश्यकता है क्योंकि रासायनिक खादों व कीटनाशक दवाइयों के उपयोग के कारण खाद्यान्न जहरीले हो गए हैं। इससे लोगों में अनेक लाइलाज बीमारियां पैदा हो रही हैं। प्राकृतिक खेती में लागत कम है बस सेहत के लिए भी फायदेमंद है, ये बात उन्होंने कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण के माध्यम से शून्य लागत प्राकृतिक खेती पर गसोता में किसान गोष्ठी और प्रदर्शनी के अवसर पर किसानों को संबोधित करते हुए कही। गोष्ठी में जिला के सभी विकास खंडों से आए 300 किसानों को प्राकृतिक खेती के गुर सिखाए गए। उन्होंने कहा कि किसानों को अपने तथा आने वाली पीढ़ियों का स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए इसे अपनाना होगा। इसी पद्धति से किसानों की आय 2022 तक दुगना करने का प्रधानमंत्री का लक्ष्य पूरा किया जा सकता है। इस अवसर पर नरेंद्र ठाकुर ने किसानों द्वारा लगाई गई प्राकृतिक खेती के उत्पादों की प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। इस दौरान आत्मा परियोजना निदेशक डॉक्टर कुलदीप परमा ने बताया कि शून्य लागत प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को सरकार की ओर से देसी गाय खरीदने के लिए 25,000 रूपए अधिकतम या 50% गौशाला का फर्स्ट बुक गौमूत्र इकट्ठा करने के लिए 8,000 तथा गौमूत्र स्टोरेज ड्रम संग्रहण के लिए अधिकतम 2,250 रूपए का अनुदान उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि किसानों के आर्थिक स्तर को बेहतर बनाने तथा स्वच्छ उत्पादों के लिए प्रदेश सरकार की ओर से भी प्राकृतिक खेती खुशहाल किसानों नामक योजना आरम्भ की गई है। जिले में वर्तमान समय में करीब 1,000 किसान इस योजना से जुड़ चुके हैं और वर्ष 2020 तक विभाग द्वारा करीब 4,000 से अधिक किसानों को इस पद्धति से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इस अवसर पर एपीएमसी के अध्यक्ष अजय शर्मा, प्रधान ग्राम पंचायत नालटी ज्योति प्रकाश शर्मा, विशाल पठानिया विशेष रूप से उपस्थित रहे। सही ढंग से आप जीना चाहते हैं तो आपको अपने नजदीक बीमारियां नहीं आने देनी किसी भी ढंग से, और बीमारियां खान पान से ही जाती है। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि जीरो बजट खेती के लिए, और ये तभी संभव होगी जीरो बजट खेती जब आप देसी गाय पालें, और आजकल बढ़िया नस्ल की गाय चली हुई है, 10-15-15-20-20 किलो दूध भी देती है। साहिवाल की देखो आप गाय है, मैंने यहाँ देखी है, लोगों ने काफी साहिवाल की गाय जो अब खरीदना शुरू कर दी और पालना शुरू कर दिए। एक गाय भी पालिए और उसे जीरो बजट खेती भी करिए, और उस बढ़िया मतलब बढ़िया दूध उस गाय का होता है ना, अगर आप रेगुलर दूध उसका प्रयोग करेंगे वैसे ही आपको बीमारियां नहीं लगेंगी उस दूध से। गाय ये जो बुजुर्गों ने गाय की पूजा जो हमसे करवाई है और करवाते चले आए हैं तो इसका कोई ना कोई मतलब है। आज आप कोई भी चीज़ देखें, आज वही चीज हमें सक्सेसफुल लगती है जो बुजुर्ग अपना के आते हुए, बीच में हमने कोई बातें छोड़ी है, लेकिन सरकार भी मान गई है कि नहीं जो बुजुर्ग करते थे वो सही थे और जो हम कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। इसलिए सफिशियंट जमीन है, लोगों के पास बहुत बढ़िया जमीन है। आपका जो इलाका है और हमारा जो इलाका है वो तो रात दिन का फर्क है, जो हमारा जो जहाँ हमारी पैदाइश हुई है बिरलापुर में और इस इलाके में तो रात दिन का फर्क है। ये इलाका तो मैं कहता हूँ कि बेस्ट, जिसको कह सकते हैं कि नेचुरली बेस्ट गिफ्टेड इलाका जो है ये आपका एरिया है। लेकिन दुख इस बात का है कि यहाँ भी पूर्ण लोगों ने खेती करना छोड़ दी है, सब कुछ छोड़ दिया हुआ है और सारे के सारे जो है वो इस डीपों के ऊपर और दूसरी राशन के ऊपर जो है वो आश्रित हो चुके हैं। तो ये जो कैंप यहाँ पे लगाया हुआ है आपको इस कैंप का फायदा लीजिए। लार्ज स्केल पे नहीं, पहले जर्सी गाय छोड़ दो आप। जर्सी गाय जब इंट्रोड्यूस की थी, केमिकल जब इंट्रोड्यूस किया था, जब जो खेती में जो खाद डालना फर्टिलाइजर डालना वो उसी वक्त यूज किया था जब डिमांड देश की ये थी कि देश का अनाज कैसे बढ़ाया जाए। उस वक्त अनाज की बड़ी स्केल सिटी थी, लेकिन मैं आज भी उनको पूछता हूँ
कि जब आपने ये इंट्रोड्यूस किया था हमारे किसानों को ये आदत डाल दी आपने केमिकल यूज करना और फर्टिलाइजर यूज करना, खाद यूज करना, तो उस वक्त आपने नहीं सोचा था कि आने वाले समय में इन बीमारियों के साथ हमको जूझना पड़ेगा। ये उस वक्त के जो हमारे इस ऑफिशियल जैसे लोग इस कारोबार से जो जुड़े थे, एग्रीकल्चर से जो जुड़े थे, इन्होंने बहुत बड़ी नेग्लिजेंस की है। ये तो ठीक है प्रोडक्शन तो हमारी बढ़ गई, लेकिन प्रोडक्शन के साथ साथ जो सबसे जरूरी था वो ह्यूमन सेहत जो है वो सबसे जरूरी है। अगर ह्यूमन ठीक है, सेहतमंद है, तो देश भी सेहतमंद है। अगर हमारा हमारे आपस में जो ह्यूमन लाइफ है, अगर हमारे नौजवान हमारे बुजुर्ग अगर बीमार है, तो देश ऑटोमेटिकली बीमार होगा। इसलिए मेरी दोनों हाथों से जोर से मेरी माताओं बहनों से यही निवेदन है कि डिपुओं की ओर कम जाइए, मजबूरी है तभी जाइए, लेकिन अपने लिए कम से कम अपने खाने के लिए साल भर के लिए विदाउट छिड़काव से विदाउट केमिकल यूज जो है वो खेती करिए और बढ़िया खाना खाए। कार्यक्रम में वक्त हो गया है ब्रेक का, ब्रेक के बाद रुक करेंगे प्रदेश की ओर।